हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अमन हॉस्पिटल होशियारपुर। अमन हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर प्रकार की मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने डॉक्टर तारुक कपूर जी से बातचीत की, जो कि MBBS MD पीडियाट्रिक्स हैं और फेलोशिप इन नियोनेटोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर तारुक कपूर जी नवोदित व बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर नवजन्मे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU की फैसिलिटी उपलब्ध है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास जो पिछले लंबे समय से हजारों की गिनती में बच्चों को एक जीवन दान दे चुके हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर तरुण कपूर जी के साथ। अमन हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि एक लाइफ सेविंग हॉस्पिटल है, जिसमें न्यूरो के हर तरह से जटिल जो पेशेंट्स हैं उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। डॉक्टर अमन कपूर जो कि बहुत ज्यादा पुराने न्यूरो के डॉक्टर हैं, और उनके साथ डॉक्टर तरुण कपूर जो कि एक पेडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर तरुण जी, जैसे जैसे आपने अपना जिंदगी का जो सफर तय किया और आज अमन हॉस्पिटल जो कि एक ऐसा हॉस्पिटल बन चुका है जिसके लिए लोगों को पहले चंडीगढ़, जलंधर या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब होशियारपुर में ही आपने एक निकू ऐसा डेवलप किया है यहाँ पर, जिसमें वो बच्चे जिनको बचने की उम्मीद कम होती थी, टाइम इज मसल होता था, उन लोगों के लिए आपने एक नई जिंदगी जो है यहाँ क्रिएट की है। क्या कहना चाहेंगे सर? 2014 में हम लोग ने अमन हॉस्पिटल होशियारपुर में स्टार्ट किया। आपका सफ़र मेरे साथ उससे पहले का है। हम लोग ने जलंधर में भी बहुत काम किया है, वहाँ भी आपसे कई बार मेरी मुलाकात हुई है, तो जलंधर में मेरे किए गए काम को आप अच्छे से जानते हैं। 2014 से हम लोगों ने यहाँ पे होशियारपुर में अमन हॉस्पिटल की नींव रखी, और यहाँ पर हम Level 3 न्यूनेटल ICU चलाते हैं, जो कि अपने रीजन में एक सिंगल हॉस्पिटल है जो कि छोटे से छोटे न्यूबॉर्न को जीवन दान देता है। हम ये वेल इक्विप्ड है। यहाँ पर 8 न्योनेटल वेंटिलेटर हैं, 5 CPAP हैं, ये 20 बेडेड न्योनेटल यूनिट है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इतनी हाई लेवल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। तो जो छोटे और कमज़ोर बच्चे हैं जिनके लिए समय पर पहुँचना एक बड़ी बात है, ये सभी सुविधाएं हमारे बड़े शहरों में भी हैं, पंजाब के जैसे कि जलंधर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, किंतु वहां तक बच्चे को पहुंचने में कई बार समय नष्ट हो जाता था, या कई बार दूर होने के कारण, या कई बार कुछ खर्चे के कारण भी कई बार पेरेंट्स इतनी दूर तक और लॉन्ग स्टे के करके सारा ट्रीटमेंट अवेल नहीं कर पाते थे। तो अब इस रीजन में कोई भी पहले इस तरह का हॉस्पिटल नहीं था, और 2014 से हम लोग निरंतर ये सेवा दे रहे हैं, और इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को मिला है, और सैकड़ों ही आपके लोकल लोग और इवन हिमाचल से लोग अपने बच्चे ठीक करा करके घर ले गए हैं। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, जिसमें पहले ये जो बच्चे थे रिटार्ड्स, बहुत ज़्यादा बच्चे रिटार्ड हो जाते थे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, लेकिन आजकल आपने जैसे जितने भी गायनी वाले डॉक्टर्स हैं आपको पहले बुलाते हैं, और कोई भी जटिल केस होता है जिसमें उनको लगता है तो वो आपकी राय पहले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो दर जो पहले रिटार्ड्स की थी अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि आप लोग समय पर उसको ट्रीट कर रहे, तो इवन फीटल मेडिसिन हैं आपके पास, इवन फीटल में भी आप एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट फीटल में भी आप सेवाएं हैं जो दे देते हैं उनको, अगर पहले बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो भी आप देख लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, और आपने जैसे आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आपके हाथों में, जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर के हाथों में अल्ट्रासाउंड है, आप जैसे ही देखते हो तभी आप बता देते हो कि ये प्रॉब्लम ऐसे है, क्या माने इतना लंबा एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ तजर्बा जो हो रहा है। जी सर, ऐसा है कि जन्म दर में, और जो कि आपके जन्म दर बहुत बड़ी है, और पहले से मृत्यु दर हमारे एरिया में कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे वो बच्चे जो पिछले सालों में नहीं भी बच पा रहे थे, अब उनको बहुत फर्क पड़ा है। सभी तरह की ट्रीटेबल डिजीजेस आजकल ट्रीट होती हैं, और बहुत अच्छे से ट्रीट होती हैं, और बच्चे ठीक होकर घर पहुँचते हैं, और जो सेरेब्रल पैलसी या मेंटल रिटार्डेशन ये वाली दर भी डेफिनेटली पहले से कम हुई है।
इसमें अकेले मेरा योगदान नहीं है, ये कंबाइंड एफर्ट है गाइनी के डॉक्टर्स के द्वारा भी, और ये पेशेंट की जो जागरूकता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो पेशेंट पहले से सजग है और अगर उनको कोई बात समझाई जाती है तो उस बात को अब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि हाँ, अगर हम छोटे बच्चों को समय पर डॉक्टर साहब के पास ले आएँ या समय पर एडिक्वेट ट्रीटमेंट करा लें तो ठीक होकर भी बहुत सारे बच्चे घर पहुँचते हैं। पहले जो अज्ञानता थी और एक डर था कि शायद जो मर्जी कर ले नहीं ठीक होगा, तो वो चीज़ अब पहले से काफ़ी दूर हो चुकी है। इसमें सभी लोगों का रोल है, सर मेरा अकेले का नहीं है, आपके मीडिया का रोल है, अपने लोगों को जागरूक किया है, कुछ लोगों ने पुराने एक्सपीरियंसेस से बेटर फील किया है, जो गाइनी है जो और अदर डॉक्टर्स हैं वो भी मोटिवेट करते हैं पेशेंट्स को, तो एक कंबाइंड एफर्ट है सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के प्रति। पहले से आप एक प्रिवेंटिव डॉक्टर हैं, आपने लोगों को बहुत ज्यादा गाइड किया है। अभी भी हमने देखा कि एक छोटी बच्ची जो मेंसेस के साथ, अर्ली मेंसेस के साथ आपके पास आई हुई थी, आपने उसको भी ऐसे गाइड किया कि आप योगा करो, आप अनुलोम विलोम करो। क्या कहना चाहोगे कि आप एक उस तरह से हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि अमन हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो एक मार्गदर्शक है और जिसमें लोगों को एक नई जिंदगी दी जाती है, और आपने हमेशा प्रिवेंटिव के ऊपर अपना बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और आप हमेशा पेशेंट्स को डाइट के बारे में गाइड करते रहते हैं और चीजों के बारे में कि जिसके साथ कि उनको नेचुरली जो है वो उसका फायदा मिले। सर जो मेडिसिन है, जो जो हेल्थ साइंस है, उसका मतलब केवल दवाई नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। उसमें डाइट फैक्टर आता है, सोशल फैक्टर आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, और जैसे आपने कहा प्रिवेंशन सबसे बड़ा फैक्टर है। तो एक डॉक्टर की जो ड्यूटी है हमेशा केवल खाली दवाइयाँ लिखना नहीं है, उसको कंबाइंड कंप्लीट थेरेपी देना है, जो साइकोलॉजिकल थेरेपी के रूप में भी हो सकती है, योगा और एक्सरसाइजेस के रूप में भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ों के प्रिवेंशन के रूप में भी हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे अगर ओबेसिटी के आ रहे हैं तो रादर देन गिविंग मेडिसिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो बाहर से चीज़ें लेना बंद करें, हाई कैलोरी फूड की पहचान करें, और नहीं तो उनको मैं लिस्ट बना देती हूँ कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो बहुत सारे मेथड से आप अपने पेशेंट को जागरूक कर सकते हैं, और अगर बिन दवाएं पेशेंट इम्प्रूव हो जाए तो ये और अच्छी बात है। सर जैसे हम पफ की बात करते हैं, आजकल एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मतलब टीट किस्म के, जैसे हम कह सकते हैं कि उनको आजकल वो पहले वाले जैसे पेरेंट्स जैसे एक बार बोल देते थे तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं करते, और सर्दी बहुत ज़्यादा है जी। और उसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो है एक कॉमन सा चीज़ बन गई है, और उसमें पफ लेना, जब हमारी जो जब हम लोग छोटे थे तो तब पफ को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एक होगा माना जाता था, लेकिन आजकल जैसे पफ की बात करें तो पफ तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसके साथ कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे हम लोग पहले हम लोग वहम करते होते थे कि यार पफ लग गया तो हम लोग यार जैसे पता नहीं सा वाले मरीज बन गए। क्या कहना चाहेंगे सर? आप जमाने में बहुत फर्क आ गया है, मैंने आपको बताया, आप लोग मीडिया के थ्रू और सबके कंबाइंड एफर्ट्स के थ्रू लोगों में बहुत जागरूकता आई है, और ये पता चला है कि पफ कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है, और पफ हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं लगता है, और पफ केवल एस्थमा का इलाज नहीं है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का भी छोटे बच्चों में इलाज है, जिसमें इसका रोल कुछ समय के लिए ही है। जो सब लोग के मन में विचार है कि एक बार पफ लग गया तो डॉक्टर साहब सारी जिंदगी लेना पड़ेगा, आप मुझ पर बिलीव करें, साल दो साल में 99% बच्चों के पफ बंद हो जाते हैं, और सिवेरिटी ऑफ द डिजीज मेरे पास यहाँ पर इस एरिया में कई पेशेंट्स ऐसे थे जो पीजीआई चंडीगढ़ तक दिखा के आ रहे थे और उनका बच्चे रिलीव नहीं हो रहे थे। When we started with the inhaler treatment, जिसे आप पफ कहते हैं, तो विद इन 1.5 ईयर द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली गुड। अब वो साल में या दो साल में एक दो बार आती है बच्ची, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर हम लोग हमेशा हंसते हैं कि देखो हम लोग ने कहाँ से शुरू किया था, और आप कितने उस टाइम पे अनवेल फील कर रहे थे और सफोकेटेड फील कर रहे थे कि कहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो आप मुझ पर बिलीव करिए, ये पफ का गेम भी सारा मिला के 6 महीने साल का है, उसके बाद ये कम्प्लीटली हट जाता है और आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कोई और नॉर्मल बच्चा जिसको साल दो साल में कभी कभी खांसी रेशा होना है। तो किसी भी तरह का हवा नहीं है, किसी तरह का बहम नहीं है, कोई लाइफ लॉन्ग लगने वाली दवाई नहीं है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको खुलकर यूज करना चाहिए और छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने बच्चों को फिट कर लेना चाहिए। जैसे अभी कोविड का एपिडेमिक जो है, थर्ड वेव जो आई हुई है, जैसे हमने भी आपको मास्क रिक्वेस्ट की और आपने मास्क उतार कर हमें इंटरव्यू दे रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे कि अभी अगर ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे लोग तो छोटे बच्चों को, क्योंकि वो अपने सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को मैं तो हेल्दी हूँ, क्या कहना चाहेंगे कि इन कंडीशंस में अगर हम लोग इन्फेक्शन घर पे लेकर जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग और हमारे वो छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए हम सारी जिंदगी सफर करते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हमने जान लगानी है इनके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से ही हमें इस चीज के लिए, अपने सैनिटाइजेशन के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए और मास्क के लिए हमें अवेयर होना चाहिए? हमें बिल्कुल अवेयर होना चाहिए और हमें किसी भी लेवल पे नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं और जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी थर्ड वेव बहुत सीवियर आई है इन अ वे कि ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। इसमें कुछ अच्छी बात ये है कि पिछली वेव जितनी सीरियस नहीं है, लेकिन सर जब लाखों में केसेस आएंगे तो कुछ हजार के सीरियस भी होंगे, किसी की इम्यूनिटी कम होगी, जैसे घर के बुजुर्गों की और छोटे बच्चों की। तो हमें सारी की सारी प्रिकॉशन इन द फॉर्म ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ सैनिटाइजर, अनड्यू टच नहीं करना, बाहर की चीजों को अवॉइड करना, अनड्यू विजिट्स करना जहाँ बहुत जरूरी है, देखिए तो वो जरूरी काम तो करने पड़ेंगे, डॉक्टर के आना है, रोटी पानी कमाना है, तो बहुत जरूरी चीजों को तो कंटिन्यू करिए, लेकिन घूमना फिरना, अब हम वेकेशन पे चले गए, उन चीजों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लाइफ खत्म नहीं हो गई है, थोड़े से समय के लिए स्टाइल चेंज किया गया है। और जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेशन के बावजूद केसेस आ रहे हैं, तो अपने प्रिवेंशन अपनी जगह है। हाँ, केवल थोड़ी सी रिलैक्स की बात यह है कि ज्यादातर केसेस माइल्ड है और इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, मतलब जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार है, और लोअर लंग में इतना इन्फेक्शन नहीं पहुंच रहा है। ये एक रिलीफ की बात जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यह 100% ऐसे ही होगा, कुछ परसेंटेज में इन्फेक्शन लंग्स में भी जा सकता है। कौन कौन सी अब बीमारी है जो आजकल जैसे सीजन चेंज है, ठंड का बहुत ज्यादा भाव है, क्यों कौन सी ज्यादा बीमारी है और कैसे हम बच्चों को ध्यान रख सकते हैं, और इस हॉस्पिटल में क्या कैपेसिटीज हैं बच्चों के लिए? निकू का तो आपने बता दिया है लेवल 3 का, उसके साथ साथ और क्या कैपेसिटी अवेलेबल है यहाँ, वैक्सीनेशन भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर इस टाइम पे बच्चों में जैसे भी आप बात कर रहे थे, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, निमोनिया, सांस की दिक्कतें ज्यादा हैं, पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे लूज मोशन वॉमिट्स के साथ भी आ रहे हैं, ठंड से भी लूज मोशन वॉमिट्स आते हैं, तो ये सारी जो कॉमन बच्चों की प्रॉब्लम्स है वो आ रही हैं। अच्छा, कोविड भी आ रहा है बच्चों में, क्योंकि मैंने आपको बताया इस टाइम लाखों की संख्या में लोग इफेक्ट हो रहे हैं, अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों को उनसे ऑटोमेटिक हो जा रहा है, घर में एक बुजुर्ग को हुआ है उनसे सबको हो जा रहा है, तो कोविड भी इन दी फॉर्म ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ रहा है। और हमारे हॉस्पिटल में सर हम कंप्लीट पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूनेटल केयर, हमारे पास पीडियाट्रिक में भी वेंटिलेटर अवेलेबल है और हम बहुत सिक बच्चों को वेंटिलेशन पे लेते हैं, इसके अलावा आईसीयू है जिसमें सभी तरह के सिक पेशेंट्स को रखते हैं, और रूटीन केयर इन द फॉर्म ऑफ द रूम और वार्ड भी हम करते हैं। तो सभी तरीके की न्यूबॉर्न से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को हम हर तरह की इनडोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर उनको ज़रूरत है तो। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 आवर हॉस्पिटल है और इसमें रात को भी जो है इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी अवेलेबल है, वो क्या करना चाहेंगे? सर हमारे यहाँ 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमारा रेजिडेंस ऊपर ही है ऑन द टॉप ऑफ द हॉस्पिटल, सो मैं और डॉक्टर अमन हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हैं और हम अपने पेशेंट को उसी टाइम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स की टीम है जो दिन रात सेवा में लगी रहती है, तो कभी भी किसी भी बच्चे को या किसी बड़े को, जैसे हमारे यहाँ मेनली ब्रेन का हॉस्पिटल है और न्यूबॉर्न और छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, तो उनके रिलेटेड अगर किसी भी पेशेंट को कभी भी दिक्कत आती है, चाहे दिन हो या रात हो, वो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी इधर उधर फोन किए और परेशान हुए सीधे हमारे हॉस्पिटल आए और हम यहाँ पे 24 घंटे आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सेवाएं अभी हम आज 15 साल के बाद मिल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अब इसके बाद मिले तो ये 10-12 चेन वाली जो है डॉक्टर तरुण कपूर हो, जिनके 10-12 हॉस्पिटल हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कही बात सारी सच हो।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और कई बच्चे वेंटिलेट भी किए हुए हैं। हमारे पास डेडिकेटेड नियोनेटल वेंटिलेटर है 6, जो कि छोटे छोटे बच्चों को ही वेंटिलेट करने में माहिर हैं, ताकि अगर 1-1.5 किलो का बच्चा भी आ जाए तो उसका वेंटिलेशन स्टेट ऑफ आर्ट मेथड से हो। और सभी आधुनिक सुविधाएं हैं हमारे पास, मॉनिटर्स हैं, ABG मशीन है, सारी मेडिसिन सिरिंज पंप से दी जाती है। हमारा जो स्टाफ है वो मेरे साथ 7 साल से वेल ट्रेंड है और अपने काम में एक्सपर्ट है, और हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम इस एरिया में बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही खूबसूरत न्यूनेटल सर्विसेज दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जिसमें हम सारी न्यूरो सर्जरीज करते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज की जाती है। ये वेल इक्विप्ड होती है, इसमें आपके हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये मॉडर्न एनेस्थीसिया स्टेशन है, सिरिंज पंप है, वेंटिलेटर है, सेंट्रल सक्शन है, सेंट्रल नाइट्रस ऑक्साइड है, सारी आधुनिक सुविधाएं इस OT में मौजूद है। सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्या इस रूम का टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, किस तरह सारे गैसेस के सेंट्रल अलार्म लगे हैं, ये वो सुविधाएं हैं जो यहाँ के बाद सीधे मेदांता में हैं। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा मन के साथ ये चीज़ें बनाई गई हैं इस रीजन के लोगों को हेल्प करने के। न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स भी लगते हैं और जनरल ICU भी है जिसमें हम और डिजीज़ के पेशेंट्स भी रखते हैं। और पीछे की तरफ हमारी सेपरेट आइसोलेशन ICU है, अगर कोई हमारे पास कोविड पेशेंट्स आ जाते हैं उसकी ICU हमने अलग रखी है जो आइसोलेशन के फॉर्म में है। और ये वाली ICU इस मिनट रनिंग है क्योंकि यहाँ पे अदर सर्जिकल और न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स हैं, और अगर कभी कोविड पेशेंट्स आते हैं तो उनकी हमारी यूनिट और एंट्रेंस अलग है, वो अलग है इसी। हमारी टीम ने डॉक्टर अमन कपूर जी से भी बातचीत की, जो कि MBBS, MS और MCH हैं, चीफ न्यूरोसर्जन स्पेशलिस्ट इन ब्रेन एंड स्पाइन हैं। दिमाग के रोगियों के लिए डॉक्टर अमन कपूर किसी वरदान से कम नहीं है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमन हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी होशियारपुर में एज ए न्यूरोसर्जन। डॉक्टर अमन जी और डॉक्टर तरु जी, इनके साथ हम पहले टॉक कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, न्यूरोसर्जरी जी की एक ऐसी डिपार्टमेंट हम बन चुकी है, वो पेशेंट्स जिन्हों का मोर्टैलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा होंदा सीगा, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पैरालाइज का अटैक आया, वो डैथ्स की गल होगी, जिन्होंने तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया डॉक्टर्स ने, और अज एक जी जी सर्जरीज है, सर्जरियां भी तुसी बहुत प्रसाइज करता है वो समय से, जो कि इन्होंने सर्जरियों का बहुत बड़ा लोगों को डर लगता हों, लोगों लगता हों ब्रेन वाला काम तो भी गया, उत्ते तो कुछ नहीं होना, वो भी हर चीज़ में जोड़ा है अब मेनटेन कर रहे हो और अमन हॉस्पिटल सारी फैसिलिटियां दे रहे हो, की कहना चाहो? सर देखो, जो मैं MBBS स्टार्ट कर लगा से उदो मैं जलंधर की गल दसदा पाया भी जे किसी सिर की सट लग गई या दिमाग च नाड़ी फट गई तो कहते होंगे भी जे 48 घंटे च होश आ गई तो आ गई, नहीं तो बंदा खत्म है। मैनू याद है मेरे फादर कहते होंगे जे किसी नूं ब्रेन की कोई प्रॉब्लम आ गई तो उत्थे वो पहले कहते भाई जिहड़ा तू व्याह व्यू कराना किसी न्याणे का करिया तो सानू पता नहीं है कि तू मुड़ के जिंदा वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। सो आ लैवल सीगा उदो न्यूरोसर्जरी का, बट हौली हौली एडवांसमेंट के नाल न्यूरोसर्जरी ने ना सिर्फ ट्रेनिंग दे विच नंबर ऑफ डॉक्टर दे विच और हर शहर दे विच डॉक्टर अवेलेबल होन लग पे। हुण मैं होशियारपुर का पहला न्यूरोसर्जन हैगा, जलंधर जदों मैं स्टार्ट किया मैं जलंधर का तीसरा न्यूरोसर्जन सीगा, हुण मैं होशियारपुर का पहला न्यूरोसर्जन जिहड़ा इत्थे 15 साल तो काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे कि जिस तरीके अज का जो मौसम हैगा इन्हों दिनों दे विच सर्दी का मौसम है और न्यूरो दी जिहड़ी प्रॉब्लम्स हैगियां बहुत ज़्यादा बड़े सिंपल सिस्टम जो है बने हुए हैं उ चीजा के उ लोग चल रहे हैं, की कहना चाहो?
देखो पहली गल तो यह है जो साढ़े समाज बहुत कॉमन चलता हर चीज़ च फीम दे दो ये बहुत ही गलत है। न्यूरो सर्जरी के या न्यूरोलॉजी के फीम का किसी भी थान पर कोई रोल नहीं है। असी फीम सिर्फ उन्होंने लोगों ही फीम जगा टेबलेट फॉर्म के दें जिन्हें की अनबेयरेबल पेन हैगी है कैंसर की पेन जिंदी किसी दवाई के नाल दर्द ही नहीं हटता पाया ता भी तुसी कंट्रोल डोज देनी उन्हें फीम नहीं देनी हैगी पहली गल। दूसरी जड़ी चीज़ हैगी है जड़िया अजकल दे जमाने दे विच बीमारियां ब्रेन दे विच हैड इंजरी बहुत कॉमन है। अजकल लोग जड़ा है बाहर जाते धुंध पई है एक्सीडेंट बहुत होंगे है बहुत सारे लोगों की अननैसेसरी डैथ होंगी है। सो मेरा यह कहना है कि सानू अननैसेसरी ट्रैवलिंग अवॉयड करनी चाहिए सानू बेवजह बाहर घूमना फिरना इस मौसम च अवॉयड करना चाहिए जिन्ना हो सकता सानू बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो जाना भी है तो टाइम सिर जाओ तो टाइम सिर परतो गड्डी दी जड़ियाँ लाइटा है पूरी रखो चैक करके रखो ये नहीं कोई लाइट चलती पई कोई नहीं चलती पी फॉग लाइट लगा के रखो और देखो कि वह चल दी कि नहीं चलती ये हो गया हैड इंजरी बारे। दूसरी जी प्रॉब्लम अजकल बहुत कॉमन है वह है भी ब्रेन के अटैक। ब्रेन के अटैक दो तरीके के नाल है या तो खून की नाड़ी पाड़ जाती है जो ब्लॉक हो जाती है दोवों कंडीशन के दिमाग में खून नहीं मिलता और दिमाग डैमेज होता है। सो अजकल के जमाने के लोग जड़ा प्रॉपर ना इलाज ना करे और ठंड ज़्यादा होने करके ये बीमारियां ज़्यादा होंदिया है अजकल के मौसम च और उसके वास्ते प्रिकॉशन ये है कि घर के प्रॉपर जो बजुर्ग बंदे उन्होंने हीटिंग सिस्टम रखो ताकि उन्होंने ठंड ना लगे कपड़े पूरे पाओ और अपने खान पीन के ध्यान रखो और पानी एडिक्वेट सही मात्रा च पानी लो पानी का सही मात्रा च ना लेना भी बहुत सारिया बीमारियों जोड़ा है बुला है बुलावा दिता। डॉक्टर साहब अगर आप गल कर लिए इस हॉस्पिटल की जिसे तुसी सीटी स्कैन और एमआरआई और जो भी जो तुसी मतलब हैगा सिस्टम जिहड़ा नीचे है क्योंकि जो बंदा ब्रेन दे नाल आंदा और बड़ी एमरजेंसी होंदी है अगे की सीगा कि अगला पहला कहिंदे जा सीटी स्कैन कराया के आदू भाई उदों तक सीटी स्कैन करवाउंदा सीगा टाइम लंघ जांदा सी उत्थे लाइनां लगियां होंदियां सीगियां पर इस हॉस्पिटल दे विच जदों कितें प्रॉब्लम आ जांदी हैगी क्योंकि टाइम इज मसल और उहदे विच तुसी उहनूं जल्दी जल्दी जिहड़ा हैगा कैच करदे हो जल्दी जल्दी उहदा सीटी स्कैन करके उहदी जो भी जिथे भी उन्होंने ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम आती है उन्होंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर। देखो सीटी स्कैन साढ़े इतने अवेलेबल है एम आर आई नहीं है सीटी स्कैन साढ़े इन हाउस हॉस्पिटल के अवेलेबल है और जो भी किसी को लोड होंगी है आप इमीजिएटली करा लीदा है उहदे नाल मरीज का आना जाना आने जाने के दौरान जिहड़ी प्रॉब्लम है उस तो बचा होंदा है और आप प्रॉम्प्ट डिसीजन एकदम जिहड़ा डिसीजन जिनी फास्ट चाहिए वो आप डिसीजन लैके मरीज को दस देता भी भाई ये दिमाग च नाड़ी फट गई है यदि आ प्रॉब्लम है ये दिमाग में सट लगी या खून वग्या इन ऑपरेशन की जरूरत है या ये दिमाग के कोई एड्डे वड्डी प्रॉब्लम नहीं है सो घबराने की गल नहीं है ये दवाइया ना ठीक हो जाऊगा। सो सानू एडवांटेज हमेशा ही रहना है और हैगा है कि नाल दी नाल डॉक्टर ने कहा तीन मिनटा दे विच स्कैन हो गया और तुसी चौथे मिनट दे विच उहदा इलाज शुरू कर दिता। डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल जिहड़ा मॉडर्न ऑटिज आईसीयू ऑक्सीजन हर चीज़ जिहड़ी इत्थे अवेलेबल और सब तो वड्डी गल 24 आवर है और तुहाडा रेजिडेंस उपर होण दे कारण तुहाडी जिहड़ी निगाह हैगी आ उह नीचे नाल रहिंदियां हैगियां की कहना। देखो हमेशा ही एडवांटेज रहिंदा कि काबल डॉक्टर अवेलेबल हैगा टाइम सिर हैगा है और सारिया अमेनिटीज अवेलेबल है। हुण जिद्दां पिछला कोरोना का काल होया सीगा तां ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट हो गई सी उसनों देखते हुए असी जिहड़ा हैगा ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं साडे कोल जिहड़ा हैगा करीब 40 सिलेंडरां का प्लांट लग गया हैगा है जो कि फंक्शनल हैगा है और आपां उहदे वास्ते वैल इक्विप्ड हैगे आ। हुण सानूं जिहड़ा हैगा बाहरों ऑक्सीजन के सिलेंडरां की जरूरत नहीं हुंदी साडे कोल इन हाउस ही ऑक्सीजन का प्लांट लग गया हैगा जो कि असी शहर के तीसरे हस्पताल है जिथे कि ये प्लांट अवेलेबल है और विदाउट कारपोरेट असी पहले हस्पताल है शहर के जिन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया हैगा है और मॉडर्न फैसिलिटी साढ़े को सारिया जो कि इसे रूफ दे विच एक छत दे विच अवेलेबल हैगी है और वन टू वन रिलेशन है इतने इदा की कोई गल नहीं हैगी इतने मैं दिन च दो बार तो तीन बार राउंड करदा और मरीज ना आराम नाल बैठ के अद्धा घंटा आप गल करी सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दें। डॉक्टर साहब नाल असी जिदा डॉक्टर साहब ने डॉक्टर तरुण ने सानू दिखाया उपर आईसीयू दिखाया आईसीयू च भी लोग निकू च भी बच्चों मतलब लोगों क्योंकि लोगों के एक एक बच्चा अच्कल बड़े उदास होंगे वह उधर बीमार होंगे बच्चे लेकिन जिस तरीके डॉक्टर तरुण ने एक गिलास लगा के जिस तरीके उपर भी सिस्टम बनाया कि कोई भी बंदा जोड़ा है चैक कर सकता है देख सकता है अपने बच्चों। देखो आप कोशिश की है
मैडम ने ये शहर का पहला न्यूनेटल लैवल 3 ICU बनाया सीगा और उहदे विच स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है। ये इको ही निकू हैगा इस शहर के जिदे 10 वेंटीलेटर अवेलेबल हैगे है जो कि डेडिकेटिड हैगे है छोटे बच्चों वास्ते, नवे जमे बच्चों वास्ते। एक 500 ग्राम का बच्चा है जो उन्होंने साह की मशीन चाहिए है, वह वड्डिया की मशीन नहीं लग सकती, वास्ते डेडिकेटेड छोटे की मशीन हैगी है। और आम मशीन नहीं है, इंडिया के मशीन नहीं बनदिया है, वह सारिया दारिया वर्ल्ड लैवल दशीन जिदा ड्रैगन है, इस वर्ल्ड फेमस कंपनी जिदा एक एक वेंटीलेटर 28 लाख रुपए का हैगा है, वह वेंटीलेटर अवेलेबल हैगा साढ़े को। मैडम की जी पढ़ाई हैगी है वह भी जरा न्यूनेटोलॉजी के फैलोशिप की हुई हैगी है और भी उन्होंने गोल्ड मैडल मिलेगा सगा। सो उस दे विच मैडम कर रहे और उन्होंने बकायदा ये चीज़ बनाई है ताकि अटेंडेंट कभी भी जान अपने बच्चे जाके वो ग्लास के थ्रू देख सकते, जिदे नाल बच्चे की इन्फेक्शन घटती है, बाकी बच्चों को कोई डर नहीं है और उन्होंने क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। इंस्टीट्यूशन बड़ा लंबा डाटा थोड़े को और एज ए न्यूरोसर्जन असं चाहवे कि इस चैनल के माध्यम से अगे जो अगह उदू डॉक्टर्स ने जिन्होंने सेवा की है और जे स्कैन हथा च ही आई आ चुकी हैगी है क्योंकि तुम देख के दस दें स्कैन तुम करा लेते नो डाउट, लेकिन तुम्हें जिस तरह का तजर्बा हो चुका हज़ारों की गिनती पेशेंट्स न्यूरो वालों बचा चुके हो, तो सू समा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।